लालू यादव का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला सामने आया है। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने पेशी के बाद अपनी कमान संभाल ली है। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए जोरदार हमला बोला है। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने उन पर हमला करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान को जिस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं वो बिना मतलब का है। सोशल मीडिया पर लालू यादव इस अभियान पर तंज कसते हुए छल छीजन हरियाली का नाम दिया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हुए मानव श्रृंखला बनाने को लेकर ये भी कहा कि बाढ़ राहत में कभी पलटू राम ने 18 हेलीकॉप्टर नहीं लगाए, जो अब मानव श्रृंखला का फोटो खिंचवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। लालू यादव ने ट्वीट में लिखा, गरीब या बहुत सारे करोड़ रुपए का छल छीजन घड़ियाली के नाम से लूटना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लालू ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि कड़ाके की ठंड में मानव श्रृंखला में अगर अधिकारी जबरदस्ती बूढ़े बच्चों, औरतों, स्कूली छात्रों और आम नागरिकों को खड़ा करे तो उसका वीडियो बनाकर डाल देना। करोड़ों का सरकारी खर्च फोटो खिंचाने के लिए 18 हेलीकॉप्टर, मुंबई से फोटोग्राफर बुलाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये नौटंकी और फिजूल खर्ची क्यों? बिहार सीएम पर निशाना साधते हुए लालू ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, नीतीश जी आपके पास दुर्गति की मार झेल रहे स्कूलों, अस्पतालों, छात्रों, युवाओं, किसानों, गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अपने अनैतिक महिमा मंडन के लिए फिजूल खर्ची में खर्च करने के लिए करोड़ों रुपए हैं। यह आज के अखबार के कतरन है। हाईकोर्ट ने शाबाशी दी है आपको। यही वो अखबार की कतरन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अपने आखिरी ट्वीट में लालू ने लिखा, नीतीश एक असंवेदनहीन आत्ममुग्ध तानाशाह हैं। जनता के तकलीफों का उन्हें कन भर भी एहसास नहीं। राज्य के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बदहाली का रोना रो रहे हैं। करोड़ों युवा बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन ये सरकारी खर्चे पर राजनीति की यात्रा कर रहे हैं, करोड़ों लूट रहे हैं, करोड़ों बर्बाद कर रहे हैं। अब इसका कितना असर पड़ता है, देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।